दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा 18 सितंबर 2021 से शुरू हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ये यात्रा प्रभावित रही, मगर अब यह यात्रा कड़ी कोरोना सुरक्षा नियमों के अंतर्गत शुरू हुई है। अगर आप भी 2021 में उत्तराखंड चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, तो जान लें सारे नियम, और इन नियमों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और स्वागत करती हूं मैं आपका हमारे चैनल टंकी फुल में, मेरा भारत मेरी नजर से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में उत्तराखंड चारधाम यात्रा बाधित रही थी कोरोना की पहली लहर के चलते, मगर जुलाई से यात्रा 3 चरणों में होना तय हुई थी, जिसमें सबका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना अनिवार्य था और अक्टूबर माह में आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म कर दिया गया था, जिससे 2020 में लगभग 3.5 लाख लोगों ने इन धामों के दर्शन किए। 2020 की ही तरह 2021 में भी भारतवर्ष प्रभावित रहा कोरोना की दूसरी लहर से। इस साल भी देवस्थानम बोर्ड ने जून माह में तैयारी की यात्रा को 3 चरणों में शुरू करने के लिए, मगर हाईकोर्ट द्वारा यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था यात्रा की तैयारी और एसओपी को लेकर। मगर सरकार द्वारा हाईकोर्ट में नई एसओपी के साथ पुनः विचार याचिका लगाई थी, जिसमें 18 सितंबर 2021 से यात्रा करना संभव हो गया है। एसओपी की कॉपी और यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे तो एसओपी व नियम 23 पन्नों के हैं, लेकिन हम आपको यात्रा के मुख्य नियम बता रहे हैं, जिसमें आपको यात्रा करने में सुविधा हो। यात्रा के लिए प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित रखा गया है, जो इस तरह है: बद्रीनाथ 1000 श्रद्धालु प्रतिदिन, केदारनाथ 800 श्रद्धालु, गंगोत्री 600 श्रद्धालु और यमुनोत्री 400 श्रद्धालु प्रतिदिन। क्या आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज और यात्रा का कोई रिलेशन है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यात्रा में आने के लिए या तो आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो, या फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आप चाहे आरटीपीसीआर लाएं, या ट्रू नेट या सीबी नेट या रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये आपकी चॉइस है, मगर रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, तो यात्रा की तारीख तक सेकेंड डोज को 15 दिन हो गए हों। अब यात्रा के लिए आपको ई पास लेना है, जो अनिवार्य है, चाहे आप उत्तराखंड से हो या फिर किसी अदर स्टेट से। ई पास आपको इन वेबसाइट पर जाकर लेना है। आपको एक बार फिर बता दूं कि सारे मुख्य नंबर, वेबसाइट्स और एसओपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ई पास वेबसाइट को बहुत ही सरल बनाया गया है। आप एक पास पर अधिकतम 6 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। इन वेबसाइट को खोलने से पहले आपके पास होना चाहिए अपने पहचान पत्र और एड्रेस की स्कैन कॉपी, जिसका साइज 10 KB से 150 KB तक होना चाहिए, और जो PNG या JPEG फॉर्मेट में हो। सभी यात्रियों के आधार कार्ड नंबर या कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी। इन सभी डाटा को आप अपने पास रख कर फिर ई पास पोर्टल खोलें और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर ई पास को डाउनलोड कर लें। अगर आप उत्तराखंड के बाहर किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो आपको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और इसकी कॉपी भी डाउनलोड करनी होगी। ये भी अनिवार्य है, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पोर्टल पर जमा करेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको अपने साथ में रखनी है, जो यात्रा के दौरान चेक पॉइंट पर चेक की जाएगी। ई पास और देहरादून ग्रीन सिटी में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, वरना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एसओपी है, वो आप ध्यान से पढ़ लें। कोई भी गलती होने पर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आपको सजा हो सकती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चोट की वजह से मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी गई है, फिर भी हम हर संडे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ठीक होकर फिर से मैं आपको ले चलूंगी नई जगहों पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।